दोस्तों तब क्या हुआ होगा जब बिहार में नाग को मारकर पेड़ पर लटका दिया, फिर उसकी नागिन ने जो किया देखकर सबके होश उड़ गए। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रतन होता है जो किसी हीरे से भी बहुत ही कीमती होता है। इस रतन को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में ये इच्छाधारी नाग नागिन की कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं और आम इंसानों की तरह जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी ही घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया और नागिन से जुदा कर दिया तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगा दें। दरअसल दोस्तों ये घटना है बिहार के एक छोटे से गाँव अरवल की, जहाँ दो दोस्त रोशन और विपिन इसी गाँव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसलिए दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर निकलता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब रोशन और विपिन शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग की नींद खुल जाती है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुंकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसलिए उन दोनों ने पास में पड़े एक डंडे को उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते। ऐसे में अगर कोई किसी एक को मार कर कोई व्यक्ति इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे तो ये अपना बदला बड़े ही भयंकर तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत ही सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया। परंतु दोस्तों रोशन और विपिन ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां पर रोशन और विपिन रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं भी नहीं मिले। परंतु शाम के समय रोशन और विपिन काम करके जब घर वापस लौट रहे थे तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो रोशन और विपिन को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। दोस्तों उस लड़की की सुंदरता में वो इतने खो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उस स्थान पर जा रही है जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास आ गई। उसने उन दोनों को अपना भयंकर विशाल रूप दिखाया जिसे देखकर दोनों के तो होश उड़ गए और डर के मारे दोनों ही कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगे। दोस्तों आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुँचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है।
नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, महादेव के जो भक्त हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।